हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही प्यारा और सुंदर सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। इस पैटर्न को आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, कोटी में, जैकेट में, जेंट्स स्वेटर में कहीं भी अप्लाई करिएगा फ्रेंड्स, बनके बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसी पैटर्न को बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल +3+2 करके फंदे लेने होंगे। तो यहाँ नेडल पे मेरे 17 फंदे हैं। सबसे पहले आप 4 फंदे ले लीजिएगा, फिर से 4 फंदे, फिर से 4 फंदे, और 3 फंदे हम डिजाइन को इक्वल करने के लिए लेंगे और 2 फंदे हमारे एच के होंगे। तो यहाँ सिलाई पे मेरे 17 फंदे हैं। ये पैटर्न हमारा 4 लाइन का है और सीधी तरफ से शुरू होगा। बॉर्डर बनाने के बाद ये हमारी पहली सिलाई है और सीधी साइड है। सबसे पहले एच के फंदों को नेटवाइज स्लिप करेंगे। अब यहाँ से 4 फंदों में हम डिजाइन बनाएंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3, धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पे हम 1 फंदे से 3 फंदे बनाएंगे। पहले इस फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर इसी फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे बन गए हैं, 1 2 3। एच के फंदे को छोड़ के 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर 1 फंदे से 3 फंदे बनाएंगे। तो यही 4 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। अब फिर से देखिएगा, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, 1 फंदे से 3 फंदे बनाएंगे। यहाँ पे हमारा 1 फंदा बन गया है। यार्न ओवर करेंगे, 2 फंदे हो गए, फिर से इसी फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे हो गए हैं। बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे। अब फिर से देखिएगा, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पे हम 1 फंदे से 3 फंदे बनाएंगे। पहले इस फंदे को सीधा बुनेंगे, धागे को ऐसे लपेटेंगे, 2 फंदे हो गए, फिर इसी फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। एच के फंदे को छोड़ के यहाँ तक हमारे 3 डिजाइन बन के कम्प्लीट हो गए हैं। लास्ट में हमारे 4 फंदे बचे हैं। धागा अपनी तरफ लाएंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और एच के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिजाइन की सेकंड रो है। पहले फंदों को पलवाइज स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे, जो फंदे इधर हमने उल्टे बुने थे इधर हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। धागा अपनी तरफ लाएंगे। यहाँ पे हमने 1 फंदे से 3 फंदे बनाए थे, अब 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 3। एच के फंदे को छोड़ के 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। यही 6 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। अब फिर से देखिएगा, धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, अब 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। एच के फंदों को छोड़ के यहाँ तक 3 डिजाइन बन के हमारे कंप्लीट हो गए हैं और लास्ट में हमारे 4 फंदे बचे हैं। धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और एच के फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे डिजाइन की सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारे डिजाइन की 3rd रो है। पहले फंदों को नेटवाइज स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और 1 फंदा हम उल्टा बुनेंगे। अब शुरू में हमारे 2 फंदे हो गए हैं। अब यहाँ से डिजाइन हमारा शुरू हो रहा है। पहले 1 फंदा हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 1 फंदे से जो 3 फंदे बनाए थे यहाँ पे 2 फंदे हमारे एक्स्ट्रा बन गए थे। यहाँ पे हम 2 फंदे कम करेंगे। ये हमारा सीधा फंदा है और आगे हमारा उल्टा फंदा है। तो यहाँ पे हम 2 फंदों का 1 करेंगे, आगे की तरफ से 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब यहाँ भी हम 2 फंदों का 1 करेंगे। आगे हमारा सीधा फंदा है और पीछे हमारा उल्टा फंदा है। सबसे पहले हम आगे वाले फंदों को ऐसे सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे फंदा हमारा सीधा हो गया है। अब दोनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। शुरू के 2 फंदे छोड़ के यही 4 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। 1 फंदा उल्टा बुनेंगे,
फिर दो फंदों का एक करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर दो फंदों का एक करेंगे। अब फिर से देखेगा, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पे हम दो फंदों का एक करेंगे, ये सीधा फंदा है, ये उल्टा फंदा है, दोनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और दो का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, यहाँ भी हम दो फंदों का एक करेंगे, आगे वाले फंदे को पहले हम सीधा कर लेते हैं। अब दोनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और बैक लूप से दो का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। अब फिर से देखिएगा, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पे हम दो फंदों का एक करेंगे, आगे हमारा उल्टा फंदा है, पीछे हमारा सीधा फंदा है। आगे की तरफ से दोनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और दो का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर से हम दो फंदों का एक करेंगे, आगे वाले फंदे को पहले हम सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड, फंदे को सीधा करना हमने नहीं भूलना है। फिर दो फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से दो का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। शुरू के दो फंदे छोड़ के यहाँ तक तीन डिज़ाइन बन के हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब लास्ट में हमारे तीन फंदे बचे हैं। धागा अपनी तरफ लाएंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और एज के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे डिज़ाइन की थर्ड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की फोर्थ रो है। पहले फंदों को पलवाई स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब शुरू में हमारे दो फंदे हो गए हैं। अब यहाँ से चार फंदों में हम डिज़ाइन बनाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन। शुरू के दो फंदे छोड़ के एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर तीन फंदे हम उल्टे बुनेंगे। यही चार फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। और फिर से देखिएगा, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और तीन फंदे हम उल्टे बुनेंगे। फिर से धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे। शुरू के दो फंदे छोड़ के यहाँ तक तीन डिज़ाइन बन के हमारे कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट में हमारे तीन फंदे बचे हैं। धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और एज के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे डिज़ाइन की फोर्थ रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डिज़ाइन की हमारी चार लाइनें बन गई हैं। इसके साथ ही डिज़ाइन भी बन के हमारा ओवर हो गया है। तो फ्रेंड्स, आगे अपने इन्हीं चार लाइनों को बार बार दोहराते जाना है। जब आप इन चार लाइनों को बार बार दोहराते जाएंगे तो डिज़ाइन बन के कुछ इस तरह दिखाई देगा। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। तो फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।